राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने के बाद अब घड़ी रिजल्ट की है। आगामी 3 दिसंबर को रिजल्ट का इंतजार भी खत्म होगा। इन नतीजों से पहले ही फलौदी सट्टा बाजार ने बता दिया कि किसकी सरकार बन रही है। सटोरियों ने एक सुर में कहा, इस बार बहुमत बीजेपी को ही मिलेगा। वहीं कई वीआईपी सीटों को लेकर भी बड़ा दावा कर दिया है। साथ ही मारवाड़ की सबसे हॉट सीट शिव विधानसभा पर रविंद्र सिंह भाटी की स्थिति को लेकर भी आकलन किया है। सटोरियों के मुताबिक राजस्थान की कांग्रेस सरकार के कई प्रमुख मंत्री चुनाव में फंसे हुए हैं और उनकी हारने की संभावना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी सीट पर अच्छे मार्जिन के साथ जीत रहे हैं, जबकि बीडी कल्ला काफी संघर्ष की स्थिति में है। कांग्रेस के कई प्रमुख नेताओं में से दिव्या मदेरना, मानवेंद्र सिंह, हरीश चौधरी, सोनाराम चौधरी, अमीन खान और मेवाराम जैन काफी संघर्ष की स्थिति में है। पोखरण से विधायक और मंत्री साले मोहम्मद की स्थिति भी काफी कमजोर बताई जा रही है, जबकि बाड़मेर के शिव में भाजपा के बागी और निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी की स्थिति काफी मजबूत है। गौरतलब है कि देश में एक ऐसा सट्टा बाजार है जहां 500 सालों से भी ज्यादा समय से करोड़ों रुपए का सट्टा लगाया जाता है। फलौदी के प्रमुख सट्टा बाजार में इस बार राजस्थान की पुरानी परंपरा की तर्ज पर ही बीजेपी सरकार की बात कही जा रही है। अनुमान के मुताबिक राजस्थान में भाजपा को 120 से 22 सीटें और कांग्रेस को 65 से 70 सीटें आने की संभावना व्यक्त की है, जबकि मध्य प्रदेश में दोनों ही प्रमुख पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में फलौदी सट्टा बाजार न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश में सुर्खियों में बना हुआ है। यहाँ हम ये भी साफ कर दें कि राजस्थान तक किसी भी सट्टे या जुआ का समर्थन नहीं करता। ये लोगों की रुचि है और हमारी खबर दिखाने की जिम्मेदारी। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।